प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना चौथा पाठ घटाघिरी झूम के, तो ये एक कविता है और इस कविता का आज हम पठन और व्याख्या करेंगे। कविता पाठ करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या मतलब उसका अर्थ आपको समझाया जाएगा। और इस कविता के कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, घटा घटा बादलों को कहा जाता है और वर्षा ऋतु चल ही रही है, आपको पता है। तो इसमें बादलों के बाद के बारे में बताया गया कि कैसे जब बादल आते हैं, वर्षा होती है, तो पृथ्वी जो है या पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है उनको गर्मी से छुटकारा मिल जाता है और वर्षा का, बादलों का लोग स्वागत करते, क्योंकि वर्षा बादलों से ही होती है। तो इसमें हम वर्षा ऋतु के बारे में बताएंगे, बादलों का महत्व बताएंगे जो सबको राहत देता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, सभी जीव गर्मी से बेचैन होते हैं, सभी जीव गर्मी से बेचैन होते हैं और उन्हें राहत चाहिए होती है। गर्मी से राहत कौन देते हैं, बादल देते हैं। बादल देखते ही मन खुश हो जाता है कि अब तो वर्षा होगी और जो प्यासी धरती है उसकी प्यास मिट जाएगी, सभी जीव गर्मी से छुटकारा पा जाएंगे और पत्तों में पत्ते भी धुल करके जो कि लूस के थपेड़ों के कारण मुरझा गए थे, उनकी चमक चली गई थी, ये धुल के ताज़ा और स्वच्छ हो जाएंगे। और जो दृश्य होता है वर्षा के बाद का, या वर्षा का भी दृश्य हम कहेंगे, बहुत ही सुहाना है। केवल देखने से ही मात्र से ही लोगों को शांति का अनुभव होता है। तो ये कैसे बादल आते हैं, कैसे घटाओं के घिरने पे लोग खुश हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं और चारों तरफ मस्ती का माहौल, और सब, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको धूम मचाने का दिल करता है। और घटाएं भी जो है बड़ी शान से आती हैं, ठाट बाट से, उन्हें पता है कि लोग उनके स्वागत करने के लिए बेचैन हैं। तो हम पढ़ते हैं अपनी कविता घटा घिरी झूम के। कवि हैं योगेंद्र दत्त शर्मा, तो कवि जो कविता लिखता है। तो शुरुआत करते हैं। इस कविता को आपको नोटबुक में भी लिखना है, सुलेख लेखन में भी लिखना है, आपको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं भी लिखूंगा इसे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। तो लिखा जाए कविता, बड़ी अच्छी कविता है। और आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ का साथ लिखने से ज़्यादा याद अच्छी तरह से होगा। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, शिखरों को सही क्रम से लिखा जाए, पर्वत के बाद में शिखरों को चूम कर, शिखरों को चूम कर, चून के, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, घटा घिरी झूम के, घटा घिरी
झूम थे। फिर आगे हैं बादलों के पंख पर, हम जरा सा जगह छोड़ देते हैं, ये अलग पद्यांश है, एक ये पद्यांश है, अब हम दूसरा पद्यांश लिख रहे हैं, तो इसको हम जरा सा लाइन भले न छोड़े, इसको आगे पीछे करके लिखें तो समझ आ जाएगा। बादलों एक मिनट लिखे, बादल बादल के पंखों पर, बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, इसका अधिकार है बिजली की चमक से, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की, हवा और बूंदों की, बूंदों बहुवचन है, बूंद का बूंदों की इस पर भरमार है, इस पर भरमार है, हाँ। तो दो पद्यांश हमने लिखे, जरा ध्यान से इसे देखिए। तो कवि कहता है, आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के घटागिरी झूम के। तो जो घटाएं हैं वो कहाँ से आई हैं? पर्वतों के शिखर, शिखर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था चोटी। बादल जब पर्वतों के पास जाते हैं, उनके शिखरों के ऊपर से गुजरते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, और फिर वे वर्षा की बूंदों का रूप लेकर धरती पर गिरते हैं। तो यहाँ पे निष्पे आदि बोधक चिन्ह, चूमना, चूमना क्या होता है आपको पता है, लोग एक दूसरे को, माँ बेटे को खुशी से चूमती है, तो इसी तरह जो ये बादल हैं वो भी पर्वतों के जो शिखर होते हैं, उनकी चोटियाँ होती हैं, उनको चूम करके आते हैं, इतनी ऊंचाई से भी आते हैं। तो ये बताया गया है कि पर्वतों से आते हैं बादल, पर्वतों में आपको पता है, आप EVS की बात की जाए तो जो है वाटर वेपर, जो जल के जो वाष्प कण होते हैं, जब ऊंचाई पे जाते हैं, पर्वतों की ऊंचाई पर जाते हैं तो वे ठंडे हो जाते हैं, और कंडेंसेशन आपने क्लास 5th में पढ़ रखा है, इस साल आपने पढ़ा हुआ है, वे पास पास आ जाते हैं। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं, वाटर वेपर के जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और वर्षा की बूंद का रूप ले लेते हैं, और वर्षा की बूंद इतनी भारी होती कि वह अब जमीन पे गिरने लगती, उसी को वर्षा कहते हैं। तो कवि भी से यही बात बता रहा है, कवि का यही अंदाज है कि आई है पर्वतों के शिखरों को चूमकर, जो बादल होते हैं वे पर्वतों की ऊंचाई पर से आते हैं, और जैसे कि वे उन्होंने पर्वतों के शिखर को चूमा हो, मतलब वे उनसे प्यार करते हैं, उनके कारण ही उनका जन्म होता है, और वे
अपने में क्या लेते हैं, वर्षा की बूंदें समाये रखते हैं और घटा घिरी झूमके, और जो घटाएं हैं चारों ओर से जो होती है जब आने लगती है, मोर नाचने लगता है और चारों तरफ से पूरे लगता है पूरे आसमान को उन्होंने घेर लिया है, ढक लिया है। आपने इसका अनुभव खुद किया होगा कि जब बादल आते हैं, वर्षा के काले बादल, वो धीरे धीरे आसमान को घेर लेते हैं। और आए कहाँ से हैं, पर्वतों के शिखर से आए हैं, खुशी से आए हैं, झूमते हुए आए हैं और वे सबको घेर लेते हैं घटा घिरी झूम के। और ये जो घटाएं, जो बादल हैं, ये पूरे आसमान को ढक लेते हैं, घेर लेते हैं पूरी तरह से। अब आ जाते हैं बादल के पंखों पर इनका अधिकार, बिजली की चमक से इनको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इनमन इन पर भरमार है। जो बादल के पंख पे आते हैं, बादलों के पंख होते हैं तभी तो वे उड़ते हैं एक जगह से दूसरे जगह, भले वो हमें पंख नहीं दिख रहे। जो घटाएं हैं वो बादलों के पंख पे आती हैं और उसके अंदर क्या होता है, ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है कि वे इधर उधर जाने के लिए बादलों के पंख रूप का प्रयोग करते हैं और बिजली की चमक से इनको प्यार है। हम लोग डर जाते हैं बिजली की चमक, बादल नहीं, बादलों में जो वर्षा है वो डरती नहीं है, वो उसी के साथ प्यार से रहती है, क्योंकि हम जानते ही हैं जो बिजली है वो बादलों से ही उत्पन्न होती है, बादलों से ही पैदा होती है। तो इस कारण से न वर्षा को डर लगता है बादलों के पास, क्योंकि वो तो उसी का घर होता है। तो बादलों की चमक से जो घटाएं नहीं डरती हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं से पैदा होती हैं, उन्हीं की संतान होती है, भले बाकी लोग डर जाएं लेकिन उन्हें डर नहीं लगता, उनको तो बादलों से, बिजली को बादलों से तो प्यार रहता है, या फिर हम कहें बादलों को बिजली से प्यार रहता है, वे डरते नहीं हैं। हवा और बूंदों की इन पर भरमार है। तो जब वर्षा के बादल आते हैं और वे हवाओं के साथ आते हैं, तो जो वर्षा वाले बादल होते हैं उनको हवाओं से डर नहीं लगता और उनमें बूंदें भी होती हैं। बूंदें मतलब यहाँ किस बूंदों की बात की है, वर्षा की बूंदों की बात की, भरमार मतलब बहुत ही मात्रा में। तो ये मत सोचना कि उसमें पानी की कमी है, उनमें बूंदों की बहुत भरमार है। कभी आपने बादल देखा ही होगा, एक तरह से लोग तो, कुछ लोग तो कहते हैं बादलों को कि वो तो उड़ते हुए झील हैं, उनमें इतना पानी होता है कि अगर ढंग से बरस जाएं तो सब तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। तो कुछ लोग बादलों को उड़ते हुए झील भी कहते हैं, क्योंकि उनमें बूंदों की कोई कमी नहीं होती, उनमें पानी की कोई कमी नहीं होती। पढ़ते समय देखना विराम चिन्ह कैसे आता है, ये बच्चों को ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से इसका पाठ का पठन अभ्यास कर रहा हूँ, अरे इसका पठन अभ्यास बोल रहा हूँ, इसका काव्य पाठ कर रहा हूँ, कविता पाठ बोलिए या काव्य पाठ बोलिए एक ही होता है। तो हमें अल्प विराम में और इसके अंदर विस्मयादि बोधक को कैसे पढ़ा जाता है उस पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, और कहीं भी कहीं जहाँ पे अल्प विराम नहीं वहाँ रुकना नहीं। आपने देखा यहाँ से यहाँ तक कि कोई भी अल्प विराम नहीं है, हमारा एक अल्प विराम इधर है और उसके बाद कोई अल्प विराम नहीं। तो यहाँ से जब देखने जाना कैसे पढ़ा जाए, आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के घटा घिरी झूम के। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार में पढ़ा जाएगा, यहाँ हल्का सा विराम चिन्ह है, अल्प विराम है यहाँ पे। आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के घटा घिरी झूम के, अब इसके बाद कोई विराम चिन्ह नहीं है। बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। तो विराम चिन्ह का खास प्रयोग करना है, यहाँ पे ही रुकना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक में कोई विराम या अल्प विराम चिन्ह नहीं है। आपने देखा यहाँ से बादल से लेकर है तक में कोई अल्प विराम या विराम चिन्ह तो आखिरी है के बाद में, तो इसे लगातार पढ़ते जाना है, यहाँ पर रुकना है। आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के घटा घिरी झूम के, और यहाँ से यहाँ तक एक साथ पढ़ेंगे,
बादल के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। यहाँ से यहाँ तक हम बिना रुके पढ़े, तो काव्य पाठ या कविता पाठ करते समय हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कवि ने जो होता है कविता बनाते समय उसने लय का प्रयोग किया होता है, उसे पता है कि जो मेरे पाठक होंगे कविता पाठ करेंगे वे कहाँ और कैसे पढ़ेंगे, जो श्रोता जो सुन रहे होंगे उन्हें भी अच्छा लगना चाहिए, तो एक एक शब्दों का चुनाव किया जाता है कवि के द्वारा। अपना संदेश तो वो देता ही है, लेकिन कविता को आकर्षक बनाने के लिए, लयबद्ध करने के लिए वह अच्छे अच्छे शब्दों का, हम कहेंगे तुक वाले शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो एक बार कविता काव्य पाठ आपको करना ही है, ध्यान से देखिए कहाँ मैं रुकता हूँ, कहाँ विराम चिन्ह लेना है और कहाँ नहीं रुकना है, इसका भी ध्यान देना। आई है पर्वतों के शिखरों को चूम के, घटागिरी झूम के, बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है। तो ये था हमारा दो पद्यांश के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पद्यांश की तरफ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं चाहूँगा सभी बच्चे साथ साथ इसे नोट करते जाएं, ताकि उनका ये नोट करने का भी काम हो और व्याख्या सुन करके जल्दी याद भी हो जाता है। तो मैं मिटा के अब तीसरे पद्यांश को लिखने जा रहा हूँ। हमारा तीसरा पद्यांश, तीसरा है साथी हैं ये सब साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, इस भोली मासूम के। जिसमें आनी बोल अच्छी घटा घिरी झूम के, अब चलते हैं चौथा वाला भी मैं लिख देता हूँ, जरा इसका पद्यांश जगह बदल देते हैं ताकि समझ आए चौथा है। गलियों अल्पिराम, गलियों बाजारों में, गलियों बाजारों में इसका भी शोर है, इसका भी शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, गर्जन घनघोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है। कोई विराम चिन्ह नहीं है, के बाद ना अल्प विराम है ना पूर्ण विराम,
इसका ही स्वागत में इसके ही स्वागत में इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। तो ये है हमारी तीसरा और चौथा पद्यांश। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बाद में मैं इसकी व्याख्या करता हूँ आपको। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के घटागिरी झुमके। फिर साथी किसके लिए कहा गया है? बिजली के लिए कहा गया है, बूंदों के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया? कि जो वर्षा की बूंदें हैं और जो बादलों में बिजली रहती है वो इसके साथी हैं। इस भोली मासूम की, किसे भोली और मासूम कहा गया है? घटाओं को। घटाएँ बड़ी भोली होती हैं, चारों तरफ से आसमान को घेर लेती हैं और जहाँ पे हवा उन्हें ले जाती है वे उनके साथ उनके पंखों पे बैठकर चल देती हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हर जगह वर्षा करना ताकि सभी जीवों को राहत मिले, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, सबको राहत देना उनका काम होता है। तो साथी हैं ये सब, बूंदों की बात की गई है और बिजली की बात की गई। तो घटाओं के साथी कौन है? बूंद और बिजली। इस भोली मासूम के, और घटाओं को मासूम कहा गया है, भोली कहा गया है, क्योंकि उनको कौन लेके चलता है? ये हवाएं लेके चलती हैं। हवाएं जहाँ इन्हें उड़ा दें वहाँ ये चली जाती हैं और बड़ी मासूमियत से इधर से उधर जाती हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है वर्षा करना। कटाई जब चलती हैं तो वर्षा भी होती है, आपको पता है कटाओं। अब आ जाते हैं गलियों बाजारों में इनका ही शोर है, धूम धाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इनके ही स्वागत में नाच रहा मोर। तो वर्षा ऋतु में, चाहे वो हम कहेंगे गलियों की बात की जाए या फिर हम कहें बाजारों में बात की जाए, लोग गर्मी से बेचैन हो जाते हैं। तो बाजारों में, चाहे वो गलियों में, लोग बादलों को देखकर खुश हो जाते हैं। बादलों का शोर जो है, कहने के लिए तो शोर है, वे उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि अब बादल आए हैं तो वर्षा भी आती ही होगी, क्योंकि बादल वर्षा के ही प्रतीक है। और धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घंघोर है, जब बादल आते हैं तो बिजली चमकेगी ही, गर्जना होगी ही, और लगेगा कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अपने शान के साथ, शानदार सवारी के साथ पधार रहा है, आ रहा है। तो ये सबको आकर्षित करते हैं। जो बादल हैं चोरों की तरह नहीं आते, जो घटाएं हैं चोरों की तरह नहीं आती, बड़ी शान से आती हैं, गलियों में आती हैं, बाजारों में जाती हैं, और चारों तरफ गर्जन हो रही होती। किसकी गर्जन? बिजलियाँ, बिजली चमक रही होती है, बहुत जोर की तड़क और गर्जना के बीच में जैसे कि किसी बड़े आदमी का स्वागत किया जाता है, उसका अनुभव होता है। और वे इनका स्वागत करता है मोर। लोग तो स्वागत करते ही हैं, मोर भी नाच करके बादलों का स्वागत करता है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जो है मोर है, बादलों को देखते ही नाचना लगता है, क्योंकि उसे पता है कि बादल आ रहे हैं तो खाली हाथ नहीं, क्योंकि वर्षा ऋतु के बादल जो है वर्षा करते ही हैं। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन वर्षा ऋतु में जम के बारिश होने वाली होती है। जैसे ही काले बादल देख लेते हैं सभी जीव खुश हो जाते हैं, गलियों में शोर मच जाता है। ये शोर केवल बादलों का ही नहीं होता, लोगों का भी। लोग खुशी से खुश हो जाते हैं, बच्चे जोश में आ जाते हैं, बड़े बूढ़े सब बादलों का एक तरह से स्वागत करते हैं, और बादल भी अपनी शान की सवारी के साथ, चमक होती है बिजली की, गर्जन होती है, और उस बीच में
वे अपने सवारी को लेकर के चारों तरफ आसमान को घेरने में लग जाते हैं। मोर देखते ही देखते नाचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वे बादलों का स्वागत ही करने के लिए बने। तो ये थी हमारी बादलों की सवारी। घटा जब आती है, झूम के आती है, और अपने खुद तो जोश में रहती ही है, जो घटाएं हैं वो झूम के आती हैं, जोश में रहती हैं, उनको देख करके पृथ्वी के जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ पौधे हों, सब खुशी से झूमने लगते हैं। तो इसलिए कहा गया है घटा घिरी झूम के, उसका जो झूमना है वह केवल उसका ही झूमना नहीं है, सभी जीव जंतुओं का खुशी से उसका स्वागत करना है। तो बहुत आसान था, एक बार फिर से इसका देखते हैं, इसका पठन। साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के, गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है। तो इसमें हमने देखा कि जो वर्षा ऋतु के आने पर उसके जो साथी कौन कौन से हैं, बिजली है, बूंदे हैं, बादल हैं, ये सब उसके साथी हैं, और खुद घटा तो भोली सी है, मासूम सी है, वो पंखों वो हवा की पंखों पे बैठकर आती है और धीरे धीरे जब आसमान को घेरने लगे। गलियों बाजारों में इनका ही शोर है, हर तरफ शोर किसका हो रहा होता है, बादलों के आने की, उनके गर्जन का, बादल गरजते हैं हमें पता है, बिजली चमकती है। तो यही बताया गया है, गली बाजार में इनका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, कहीं पे बिजली चमक रही होती है, कहीं पे बिजली की जो गर्जना होती है और जो बिजली चमकने से रोशनी भी आती है। तो ये इसलिए बोला गया है कि गर्जन तो घनघोर है ही, घनघोर का अर्थ क्या होता है कि भीषण ध्वनि, बिजली चमकती है तो उसके बाद कुछ देर के बाद आपने गर्जना सुनी हुई है बादलों की, लोग डर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन नहीं, लगता है कि घटाओं का स्वागत किया जा रहा है। घटा कोई बहुत बड़ी व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ी हस्ती है, और उसका स्वागत किया जा रहा है किसके द्वारा, बादलों की गर्जन और बिजली की चमक से। और सभी जीव खुश हो जाते हैं, स्वागत में लग जाते हैं, और जो जंगल में मोर होता है वो नाचने लगता है, मानो कि वह इस सब का स्वागत कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि घटाओं के बारे में बताया गया, जो घटाएं वर्षा ऋतु की घटा, घटा जो होते हैं काले बादलों को कहा जाता है। सबसे पहली बात, जो घटा होते हैं वो आम बादल नहीं कहा जाता, जो काले रंग के बादल होते हैं वर्षा ऋतु में दिखते हैं उन्हें घटा कहा जाता है। और कभी आपने देखा है धीरे धीरे एक कोने से शुरू होते हैं और पूरे आसमान को ढक लेते हैं, यहाँ तक कि सूरज भी नहीं दिखाई देता, और हल्की सी मध्यम सी रोशनी में बड़ा एक तो लोगों को उम्मीद होती है कि वर्षा तो आएगी और हमें राहत मिलेगी, और ये भी इसकी भी अपनी ठाट होती, शाम से जो घटाएं आती हैं और पूरी गलियों में बाजारों में इनका शोर मच जाता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, इनकी गर्जना जो है वो और बिजली की चमक ये लोगों को बता देती है कि अब सावधान हो जाइए, अब आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है। बादल अपने साथियों के साथ, बादल के साथी कौन हैं, बूंदे हैं, घटाएं हैं, बादल हैं, हवाएं हैं और बिजली, ये अपने साथियों के साथ आ गई, अब आपका कष्ट दूर होने ही वाला है और आपको भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली। और ये केवल मनुष्य ही नहीं जानते हैं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी जान जाते हैं, यहाँ तक कि जो मोर हैं वो स्वागत करने के लिए नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे भी बादलों का स्वागत करना चाहते हैं और अपना खुशी दिखाने के लिए वे नाचने लगते हैं। तो ये थी इसका व्याख्या। अभी 3 पद्यांश और बचे हुए हैं,
जो हम कल करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे सुलेख के तौर पर और याद भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।